सुजानपुर के चमियाड़ा से पटलांदर मेन बाजार तक गांधी संकल्प पदयात्रा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम देश भर में स्वर्गीय महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम सुजानपुर के मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं और बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। सुजानपुर के चमियाड़ा से पटलांदर मेन बाजार तक गांधी संकल्प पदयात्रा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम देश भर में पूजनीय स्वर्गीय महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया। ये कार्यक्रम सुजानपुर के मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये पदयात्रा लगभग 2 किलोमीटर की रही। संकल्प यात्रा में लगभग 250 के करीब लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में भाषण के दौरान मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर ने कहा कि भाजपा अपने सभी चुनावी वायदों को पूरा कर रही है, चाहे वह ट्रिपल तलाक हो या धारा 370 और 35A का खत्म होना हो, और वो अब तो भारतीय जनता पार्टी का सालों से रहा सपना राम मंदिर, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सभी 5 जजों ने एक तरफा फैसला सुनाया, वह राम मंदिर का सपना भी जल्द पूरा होगा। संकल्प पदयात्रा कार्यक्रम में सुजानपुर के पूर्व मंडल अध्यक्ष कैप्टन रंजीत सिंह, महामंत्री पवन शर्मा, मीडिया प्रभारी विनोद ठाकुर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वीरेंद्र ठाकुर, जिला परिषद बीना कपिल, महिला मोर्चा अध्यक्ष अंजना ठाकुर, चमियाड़ा ग्राम प्रधान बीना देवी, पटलांदर प्रधान शर्मिला राणा, चबूतरा प्रधान डॉक्टर ओमकार, री पंचायत प्रधान बीनी ठाकुर, सपहाल प्रधान पृथ्वी चंद, भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिंदाबाद।